क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। भारत और श्रीलंका के दौरे पर दोनों ही क्रिकेट बोर्ड मोहर लगा चुके हैं और जुलाई में ये क्रिकेट सीरीज खेली जाएगी। इस दौरे के लिए टीम इंडिया के खिलाड़ियों को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और अब तो टीम के ऐलान की तारीख भी आ गई है। बड़ी बात यह है कि श्रीलंका दौरे पर भी भारत के 14 या 15 खिलाड़ी नहीं जाएंगे, बल्कि इंग्लैंड दौरे की ही तरह श्रीलंका दौरे पर भी 20 सदस्यों वाली टीम जाएगी, जिसमें कप्तान का नाम तो चौंकाने वाला होने जा रहा है। इतना नहीं, 5 और खिलाड़ियों की भी अचानक से लॉटरी लग गई है, क्योंकि उन्हें खुद भरोसा नहीं होगा कि उनका चयन टीम इंडिया में होने जा रहा है। तो आपको बताते हैं कौन है वो खुशनसीब खिलाड़ी और कौन है वो कप्तान और कौन सी है वो तारीख जब इनका ऐलान होगा। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। तो टीम इंडिया इंग्लैंड दौरे की तैयारी कर रही है। 2 जून को अंग्रेजों के देश भारतीय टीम रवाना हो जाएगी। इधर भारत की दूसरी टीम लिमिटेड ओवर्स के गेम के लिए श्रीलंका जा रही है। अब इस टीम के बारे में आपको डिटेल जानकारी देंगे, लेकिन पहले श्रीलंका दौरे को लेकर बड़ा अपडेट भी आपको देते हैं। तो श्रीलंका दौरे पर पहले सिर्फ 3 T20 और 3 वनडे मैच खेले जाने थे, लेकिन अब इसमें बदलाव हो गया है। अब श्रीलंका दौरे पर 3 के बजाय 5 T20 मैच खेले जाएंगे, जबकि वनडे की संख्या 3 ही रहेगी। यानी कि भारत के श्रीलंका दौरे का समय कुछ बढ़ जाएगा, क्योंकि 2 मैच इसमें बढ़ गए हैं। और इसीलिए BCCI ने चयनकर्ताओं से कहा है कि वो श्रीलंका दौरे के लिए भी 20 सदस्यों की ही टीम चुने, इससे कम खिलाड़ी बिल्कुल न हो, जिसके बाद टीम का चयन फाइनल हो गया है। और अब तो वो 20 खिलाड़ी कौन है वो भी करीब करीब पक्का फाइनल हो गया है। तो सबसे पहले ओपनिंग जोड़ी की बात करते हैं, तो यहाँ पर 2 नहीं 3 नहीं बल्कि 4 खिलाड़ियों को रखा जा रहा है। शिखर धवन और पृथ्वी शॉ फर्स्ट चॉइस ओपनर होंगे, तो वहीं विराट की RCB के देवदत्त पड्डीकल और धोनी की CSK के ऋतुराज गायकवाड़ भी टीम में चुने जाएंगे। ये चारों ही खिलाड़ी बतौर ओपनर रहेंगे। मिडिल ऑर्डर की बात करें तो यहां पर श्रेयस अय्यर को चुना जाएगा, जिनके जून के आखिर तक फिट होने की पूरी पूरी संभावना है और अय्यर का श्रीलंका जाना फिटनेस पर ही निर्भर करेगा। वहीं अय्यर के अलावा सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन भी मिडिल ऑर्डर में होंगे, जबकि 2 विकेट कीपर को टीम में चुना जाएगा। संजू सैमसन मेन विकेट कीपर होंगे, तो उनके साथ ही बैकअप विकेट कीपर के तौर पर ईशान किशन रहेंगे। अब हालांकि कीपिंग में किशन भले ही बैकअप में रहेंगे, लेकिन वो बतौर खिलाड़ी टीम में फर्स्ट चॉइस ही रहेंगे और शुरुआती मैचों से ही खेलते रहेंगे। ऑलराउंडर्स की बात करें तो बतौर ऑलराउंडर 4 खिलाड़ियों को टीम में रखा जाएगा और IPL की ही तर्ज पर प्लेइंग 11 में भी ऑलराउंडर्स की भरमार नजर आ सकती है। तो ऑलराउंडर्स के रोल में हार्दिक पांड्या, कुणाल पांड्या, राहुल तेवतिया और हर्षाल पटेल को टीम में चुना जाएगा। तेज गेंदबाजों की बात करते हैं तो यहां पर भुवनेश्वर कुमार तेज गेंदबाजी को लीड करेंगे और भुवी का साथ देंगे दीपक चाहर, नवदीप सैनी और चेतन सकारिया। स्पिनर्स के तौर पर युजवेंद्र चहल और कुलदीप यादव एक साथ लंबे समय बाद टीम में नजर आएंगे और इनके अलावा राहुल चाहर और वरुण चक्रवर्ती को भी टीम में चुना जाएगा। अब यहां पर इन 20 खिलाड़ियों के अलावा बैकअप खिलाड़ी भी चुने जाएंगे। जी हां, बैकअप खिलाड़ी के तौर पर भी 5 खिलाड़ियों को टीम में जगह मिलेगी, जिनके लिए किस्मत खुलने जैसा ही होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया दौरे में बतौर बैकअप खिलाड़ी जाने वाले वॉशिंगटन सुंदर और टी नटराजन ने क्या कमाल किया था हम सभी जानते हैं, और इसीलिए यहां पर श्रीलंका दौरे में भी 5 खिलाड़ी बतौर बैकअप जाएंगे। बैकअप खिलाड़ियों में तेज गेंदबाज कार्तिक त्यागी और टी नटराजन शामिल होंगे। नटराजन को चोट की वजह से मुख्य टीम में शामिल नहीं किया जाएगा और बैकअप में रखा जाएगा, जबकि स्पिनर के रूप में रवि विश्नोई और हरप्रीत बरार को बैकअप के रूप में चुना जाना लगभग तय है। पंजाब किंग्स के लिए खेलने वाले दोनों स्पिनर्स इस सीजन में कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं। वहीं बतौर बल्लेबाज KKR के नीतीश राणा को बैकअप के तौर पर चुना जाएगा। लंबे समय से नीतीश राणा अच्छा खेल दिखा रहे हैं और फाइनली उनके लिए टीम इंडिया की कॉल आना तय हो गया है। अब टीम में 20 खिलाड़ी मेन स्क्वाड में होंगे, तो 5 खिलाड़ी बतौर बैकअप होंगे और जून के दूसरे हफ्ते में टीम का ऐलान किया जाएगा। टीम के ऐलान की यही तारीख है। BCCI सूत्रों के मुताबिक जून के दूसरे हफ्ते में श्रीलंका दौरे के लिए टीम इंडिया के चयनकर्ताओं की बैठक होगी और उस बैठक के बाद टीम का ऐलान कर दिया जाएगा, और तब तक श्रेयस अय्यर भी पूरी तरह से फिट होने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि अय्यर को ही कप्तानी के लिए BCCI की पहली पसंद माना जा रहा है। लेकिन यहाँ पर भी बड़ा ट्विस्ट है।
अगर श्रेयस अय्यर जून तक अपनी फिटनेस पूरी तरह से साबित नहीं कर पाए तो श्रेयस अय्यर को टीम में तो चुना जाएगा लेकिन कप्तानी नहीं दी जाएगी। जी हाँ, ये बड़ा फैसला हो सकता है और तब मजबूरी में ही सही लेकिन शिखर धवन को कप्तान बनाया जाएगा। लेकिन अय्यर टीम के साथ श्रीलंका जरूर जाएंगे और जुलाई में मैच तक फिट हो गए तो टीम में मैच भी खेलेंगे, लेकिन फिर अय्यर को कप्तानी पाने के लिए जून में ही अपनी पूरी फिटनेस साबित करनी होगी। तो कैसी है ये टीम, कितनी ताकतवर है टीम और श्रीलंका में कैसे मिलेगी इस टीम को जीत, कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और वीडियो को अभी शेयर करें। अब भारतीय टीम 2 जून को इंग्लैंड पहुंचेगी और फिर इंग्लैंड की कंडीशन में ढलकर 18 जून से फाइनल मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ उतरेगी। अब इस मैच में भारत की टीम को लेकर कई तरह की बातें सामने आ रही हैं क्योंकि टीम में एक से बढ़कर एक मैच विनर हैं। कुछ खिलाड़ियों ने ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर तूफान मचाया था तो कुछ ने घरेलू इंग्लैंड दौरे में अद्भुत खेल दिखाया था, गदर मचाया था। लेकिन टीम में स्लॉट सिर्फ 11 ही होते हैं, लिहाजा यहां पर विराट कोहली और रवि शास्त्री के लिए टीम चुनने की बड़ी परीक्षा है। अब इसी परीक्षा के बीच स्पिन गेंदबाज अक्षर पटेल ने बड़ी बात कही है। इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में अक्षर ने टीम को लेकर, खुद के खेलने को लेकर बड़ी बड़ी बातें कही है। अक्षर पटेल ने कहा कि उनके लिए इंग्लैंड के साथ सीरीज ड्रीम डेब्यू रही, जहां उन्होंने सिर्फ 3 टेस्ट मैचों में 27 विकेट लिए और इसी खेल के बल पर उन्हें इंग्लैंड जाने वाली टीम में भी चुना गया। अब अक्षर पटेल के अलावा इस टीम में मेन स्ट्रीम स्पिनर रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा पहले से मौजूद हैं तो साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया दौरे पर तूफान मचाने वाले वॉशिंगटन सुंदर भी हैं। अब इंग्लैंड की कंडीशन है तो सभी स्पिनर्स तो एक साथ नहीं खेल सकते, लिहाजा कंपटीशन बड़ा है, कड़ा है। अब ऐसे में अक्षर ने टीम को लेकर बड़ी बड़ी बातें बताई हैं, वो क्या है वो आप भी देखिए। अक्षर पटेल ने बताया कि टीम इंडिया के बैटिंग ऑर्डर में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं होने वाला है क्योंकि यहां पर खिलाड़ी फिक्स हैं, पहले से तय हैं। ओपनिंग जोड़ी में रोहित शर्मा का खेलना पक्का है तो दूसरे खिलाड़ी के तौर पर मयंक अग्रवाल, शुभमन गिल और केएल राहुल के बीच दौड़ है। इनमें से किसी एक खिलाड़ी को चुना जाएगा लेकिन इसके बाद के खिलाड़ी पूरी तरह से फाइनल है। तीसरे नंबर पर पुजारा, चौथे नंबर पर विराट कोहली, पांचवें पर अजिंक्य रहाणे तो छठे नंबर पर विकेट कीपर ऋषभ पंत खेलने आएंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला। लेकिन अक्षर के मुताबिक गेंदबाजों में इस बार जबरदस्त प्रतिस्पर्धा है। अक्षर पटेल का कहना है कि इंग्लैंड की कंडीशन में 3 तेज गेंदबाजों का खेलना पक्का है लेकिन यहां पर भी कई सारे दावेदार हैं। बुमराह हैं, ईशांत हैं, शमी हैं, सिराज हैं, शार्दुल हैं तो उनके अलावा आवेश खान और अर्जन नगवासवाला भी मौजूद हैं। तो ऐसे में अक्षर के मुताबिक शमी, बुमराह और ईशांत को फाइनल टेस्ट मैच खेलने का मौका मिलने जा रहा है। स्पिनर्स पर अक्षर पटेल ने बड़ी और हैरानी भरी बात कही। अक्षर ने कहा कि वो बिना स्पिन फ्रेंडली विकेट पर भी विकेट निकालते रहे हैं और डरहम के लिए काउंटी खेलते हुए उन्होंने 53 रन देकर 7 विकेट लिए थे, इसीलिए उन्हें इंग्लैंड की कंडीशन का अच्छी तरह से पता है। अक्षर ने आगे कहा कि इंग्लैंड की पिच बिल्कुल भी स्पिनर्स के अनुकूल नहीं थी लेकिन मेरा दावा मजबूत है। साथ ही अक्षर ने कहा कि इंग्लैंड में भले ही विकेट्स पर टर्न नहीं होता लेकिन वहां बाउंस होती है और मैं बाउंस के साथ भी कमाल कर सकता हूं और मुझे कप्तान विराट कोहली ने खेलने का भरोसा दिया है। अब यहाँ पर बात साफ हो गई, अक्षर ने कहा कि उन्हें विराट ने खेलने का भरोसा दिया है, यानी कि अक्षर पटेल फाइनल मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलने जा रहे हैं और टीम इंडिया के पहले स्पिनर होंगे। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।